हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इप्सिता गंगोपाध्याय, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर ऑफ आवर सोशल साइंस बुक, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, why there is need for a constitution and the formation of Indian constitution. We will also study about the nature of Indian constitution and the guiding principles. So first topic is, what is constitution? Now, in every institution or organization, be it a school, a club or an office, needs a set of rules to function smoothly. Similarly, a country also needs some rules to run smoothly. The set of rules according to which a country is governed is called a constitution. So, as we have read what is constitution, it is very easy to have the concept of constitution. So, as you know that you are going to school, and as you are going to school, your school has some rules. So whenever you are following your school rules, the school is functioning smoothly. But if you are not following any rule in the school, then you will be called an indisciplined student, isn't it? तो आप जब स्कूल जाते हो तो स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, तो आप उसको फॉलो करते हो तो आपके स्कूल में आपको डिसिप्लिन स्टूडेंट कहा जाता है. और यदि आपने वो रूल कोई भी तरह से उसको ब्रेक किया तो आपको इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स कहते हैं. ओके, सो हमारे स्कूल को ठीक से अच्छी तरह से चलाने के लिए हमको कई तरह के रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे कि आपके स्कूल का टाइमिंग, यदि 8 o'clock का स्कूल का टाइमिंग है तो आपको 8 o'clock शार्प स्कूल में पहुंचना पड़ता है. फिर आपका प्रेयर होता है, फिर आपके एक एक जो भी आपके टाइम टेबल के हिसाब से लेक्चर चलते हैं, वो लेक्चर आपके टाइम के हिसाब से चलते हैं. तो आप सोचिए, यदि आपका कोई भी लेक्चर टाइम पे नहीं होगा तो क्या होगा? आपका कोई भी लेक्चर यदि टाइम पे नहीं होगा तो आपको भी बहुत अजीब लगेगा और हर एक चीज़ में बहुत सारे परेशानियाँ आ जाएंगी, है ना? तो आपके स्कूल में भी सब परेशान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके बाद कौन सा लेक्चर है, आप क्या करोगे. ये इसी तरह से क्या होता है, आपका स्कूल तभी क्या होता है, और इट इज़ नॉट रनिंग स्मूथली, देन यू नीड टू गो फॉर द डिफरेंट रूल्स. सो आप यदि रूल के हिसाब से आपका स्कूल में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके टाइमिंग के हिसाब से होता है, वो सब चीज़ें साथ में हो जाए तो आपका हर एक चीज़ स्मूथली चलने लगता है, है ना? तो उसी तरह हमारे कंट्री में भी बहुत सारे रूल्स हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, इसीलिए हम आराम से हमारे यहाँ पर अपना दिन गुजारते हैं. लेकिन यदि हमारे रूल्स में कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो हमको वो ठीक नहीं लगता है.
तो वो ये जो हमारे कंट्री में जो रूल चलता है वो कौन बनाता है? जैसे कि आपके स्कूल में जो रूल चलता है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल बनाते हैं, आपके स्कूल के ट्रस्टी बनाते हैं, वो सब रूल्स आपके कैलेंडर में लिखा होता है ना। तो उसी तरह से जब हमारे कंट्री में कोई रूल चलता है तो वो रूल सब कहाँ लिखा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक वेर यू फाइंड ऑल द रूल्स दैट आर फॉलोड इन अवर कंट्री टू रूल द कंट्री स्मूथली। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बुक है जिसमें हर एक किस्म के रूल्स लिखे रहते हैं और वो रूल्स को फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कंट्री स्मूथली चलता है। ठीक है, सो व्हाई देर इज़ नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया इन आवर कंट्री एंड वी एज इंडियन सिटीजन्स एन्जॉय कंप्लीट फ्रीडम, बट दिस वॉज नॉट द केस बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। सो आपको पता है कि आपका इंडिपेंडेंस डे कब है? 15 अगस्त 1947। सो आफ्टर 15 अगस्त 1947 वी एज इंडियन कंप्लीटली एन्जॉय अवर फ्रीडम। दैट मीन्स 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे देश को कौन रूल करता था? ब्रिटिशर्स जो रूल फॉलो करते थे हमको वही रूल फॉलो करना पड़ता था। लेकिन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंड? वी नीड टू फॉलो द रूल्स ऑफ आवर कंट्री। सो ब्रिटिशर्स जो बोलते थे हम आफ्टर 1947 वी वेर नॉट बाउंड टू फॉलो दैट, इजंट इट? तो हम जब फ्रीडम हुआ तो हमको ब्रिटिशर्स की बात रूल्स को फॉलो करने का कोई भी हमारे ऊपर बाउंडेज नहीं था, हम आराम से अपने रूल फॉलो कर सकते थे। सो सी हियर वॉट इज रिटन, बिफोर दिस इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडियंस वेर ट्रीटेड एज इन्फीरियर एंड वे नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। द ब्रिटिश फोर्स देयर आइडियाज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एजुकेशन, वर्क एंड सोसाइटी। सो इस पैराग्राफ से आपको क्या मालूम पड़ता है कि बिफोर आवर इंडिपेंडेंस दैट इज़ बिफोर आवर फ्रीडम दैट इज़ ऑन बिफोर 1947 ईयर, 1947 के पहले हमारे यहाँ कौन रूल करता था? ब्रिटिश। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि ब्रिटिश रूल करते थे तो हमको क्या करना पड़ता था? ब्रिटिशर्स को ही फॉलो करने पड़ते थे, है ना? जो ब्रिटिश लोग बोलते थे हमको वही फॉलो करना पड़ता था। हम अपनी तरफ से कुछ भी काम नहीं कर पाते थे, है ना? सो द ब्रिटिश फोर्स देयर आइडियाज एज ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब ब्रिटिश हर एक हमारे जो भी एडुकेशन है, हमारा काम है, हमारे फेस्टिवल्स है, हर एक में वो क्या करते थे? वो अपना ही रूल्स बनाते थे, जो वो कहेंगे हमको वही फॉलो करना पड़ता था, है ना? तो दिस वॉज बिकॉज वी वेर नॉट फ्री, वी वेर नॉट इंडिपेंडेंट। हम क्यों ऐसा होता था? क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, है ना? ब्रिटिश हमारे पर रूल करते थे, इसीलिए वो जो भी करना चाहते थे हमको वही करना पड़ता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द कंट्री पास्ड ऑन टू द हैंड्स ऑफ इंडियन पीपल। इट वॉज अ कंसर्न टू प्रोवाइड एवरी इंडियन अ लाइफ ऑफ फ्रीडम विथ सेल्फ रेस्पेक्ट। एट द सेम टाइम आवर कंट्री नीडेड अ सेट ऑफ रूल्स टू फंक्शन स्मूथली। Hence, the Indian leaders agreed that there was a need of constitution. The constitution is a book of rules, principles, promises, rights and duties that are accepted by all the people living together in a country. It is the supreme law of country.
So in this paragraph, what we have read is that after independence, क्या था तभी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कोई रूल नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हुआ, तो इंडियन जो पीपल थे वो अपने जो भी मन मर्जी होता था उनका वो काम करने लगे, है ना, और कोई भी ब्रिटिशर्स हमको इसके लिए हमारा रूल नहीं दिखा पा रहे थे, तो हम अपना रूल हम हमारे जैसे ही कर रहे थे, लेकिन हर एक व्यक्ति हर एक अलग अलग तरह के रूल फॉलो करेंगे तो नहीं चलता था। सो इसीलिए हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स, उन्होंने कहा कि हमारे कंट्री को भी यदि अच्छी तरह से रूल करना है तो हमें भी ब्रिटिशर्स के जैसे कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, और वो रूल्स क्या होंगे, वो रूल्स हमारे इंडियंस के लिए अच्छा होगा, है ना। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, सब लीडर्स ने मिलके तय किया कि हमको भी कुछ रूल्स बनाने होंगे जिससे कि हमारी कंट्री के सिटीज़न उसे फॉलो करेंगे और हमारा कंट्री भी स्मूथली रन करेगा, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक तैयार किया, मैंने पहले ही आपको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक विच has rules, principles, promises, rights and duties that are accepted by all the people living in a country. So यहाँ पे this is the definition of your constitution. So ये book के book में आपके सब कुछ rules लिखे रहते हैं, तो आप कभी भी कोई भी ऐसे कोर्ट रूम का आपने कुछ सीन देखा होगा, आपके पिक्चर में या आपके सीरियल में आपने कोर्ट रूम देखा होगा, है ना, उसमें जो वो जज देखिए हमेशा बोलते रहते हैं इस रूल के तहत पर 420 रूल के तहत पर 370 रूल के तहत पर ऐसे बोलते हैं ना वो लोग, तो ये जो नंबर्स वो बोलते हैं ये नंबर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे होते हैं उसके नंबर होते हैं, ठीक है। तो जब वो जज मेंशन करते हैं ना उसमें जो नंबर्स मेंशन करते हैं तो वो सब नंबर्स क्या होते हैं, रूल्स के नंबर होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो रूल्स के, तो ये सब रूल्स हमारे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो जो लोग लॉ सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, जो वकील होते हैं, जो जजेस रहते हैं, वो ये सब पढ़ाई करते हैं, इसीलिए उनको ये सब रूल्स एकदम याद है कि कौन से पेज पे कौन सा रूल है जिसके अनुसार हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स जो जज बोलते हैं वो हमारे रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स। आप यदि कोई भी पेपर भी देखोगे, जैसे कि आपके बिल्डिंग के पेपर्स हो कि आपके स्कूल के पेपर्स हो, जो भी पेपर्स देखोगे उसमें हमेशा कोई ना कोई एक नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर्स सब रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन बुक के नंबर के रूल, ठीक है। सो दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई देर वाज नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट द पीपल कैन फॉलो द रूल, एंड बाय फॉलोइंग द रूल वी कैन लीव हैप्पीली एंड सेफली, इजंट इट। सो दैट वाज द नीड फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Then the next topic is formation of Indian Constitution. So Constitution was written. Why Constitution and written and when it was written? Okay. So on 9th December 1946, 8 months before India actually became independent, a group of Indian leaders and thinkers met in the Central Hall of Parliament House in New Delhi. They came together to discuss their ideas on ways to govern India and to write the constitution.
This team of thinkers who had come together to write the constitution was called the Constituent Assembly. The Constituent Assembly had 299 members under the chairmanship of Dr. B. R. Ambedkar. Now, what is the meaning of this paragraph? Now, in this paragraph, what is said is before 15th August 1947, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था उसके एट मंथ्स पहले कौन से डेट में 9 दिसंबर 1946. ओके, सो 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, एक क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको पता था कि हमारा इंडिपेंडेंस होने वाला है, तब उन्होंने सोचा कि हम जैसे ब्रिटिश अपना जो कंट्री है वो रूल करते थे और उन्होंने कुछ रूल्स रखे थे, तो हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने भी ऐसे सोचा कि हम जब इंडिपेंडेंट होंगे तो हमको भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमको पहले से तैयारी करना ज़रूरी है. तो इसीलिए क्या किया था, 8 मंथ्स बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब 15 अगस्त 1947 के 8 मंथ्स पहले उन्होंने एक मीटिंग रखा था. कहाँ रखा था मीटिंग, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली में एक हॉल था पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ उन्होंने एक मीटिंग रखा था और वो मीटिंग में हमारे इंडियंस बड़े बड़े लीडर्स सब वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने फिर डिस्कशन किया कि हमें हमारे देश को रूल करने के लिए बहुत सारे चीज़ें अभी बनाने बाकी हैं. तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमको सबसे पहले तो हमारे देश को रूल करने के लिए, तो हमारे देश को रन करवाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ज़रूरी है. तो इसीलिए तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमारे जो लीडर्स बड़े बड़े लीडर्स हैं जो बहुत ही क्वालिफाइड हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, उनको उन्होंने सबने मिल के रिक्वेस्ट किया कि आप लोग एक टीम बनाइए, आप लोग एक ग्रुप बनाइए. और ये ग्रुप को उन्होंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने वाले ग्रुप थे उसको बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ग्रुप में कितने लोग थे, देखिए 299 मेंबर्स का उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने बोला कि ये सब जो ग्रुप में जो भी मेंबर्स है वो आप लोग सोचिए और सोच के एक रूल लिखिए, हर एक तरह का रूल्स आप लोग सोच सोच के लिखिए और उसको हम सब रूल्स को एक साथ करके हम एक रूल बुक बनाएंगे. तो ये जो 299 मेंबर्स का जो असेंबली था उसके जो लीडर थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दैट इज़ डॉक्टर बी आर अंबेडकर. तो बी आर अंबेडकर को तो आप सभी पहचानते होंगे, है ना. सो डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज़ द लीडर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि वो बहुत ही क्वालिफाइड थे. देखिए उनके नाम के सामने डॉक्टर लगा है, तो बहुत ही गुनी नॉलेजेबल एजुकेटेड थे, इसीलिए सबने उनको अपना टीम का लीडर बनाया. तो उसके बाद क्या हुआ, द मेंबर्स केम अप विथ मेनी आइडियाज एंड सजेशंस, दीज वे पुट टुगेदर इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म एज ए कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू नो दैट 299 मेंबर्स वेर देयर. सो सब ने बहुत सोचा और बहुत सारे उन्होंने आइडियाज और सजेशन दिए और इन सभी आइडियाज सजेशन को अच्छी तरह से लिख के उन्होंने सोचा कि ये सब आइडियाज़ को अच्छी तरह से हम लिखेंगे और लिख के हम ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे. सो दिस वॉज दिस मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज थॉट बिफोर 8 मंथ्स ऑफ फ्रीडम. सो जो आइडिया था वो 8 मंथ्स पहले बनाया गया था, लेकिन इतने सारे रूल्स लिखने को हमें टाइम लग गया. तो हमारा फ्रीडम तो हो गया, उसके बाद इट टुक अराउंड 3 ईयर्स टू कम्प्लीट द
कॉन्स्टिट्यूशन, तो सब रूल्स को एक साथ अच्छी तरह से लिखने के लिए कितने साल लग गए? राउंड अबाउट थ्री ईयर्स हो गया आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस दैट द रूल्स एंड आइडियाज वे टेकन एंड इट वॉज गिवन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडेप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, बट इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. सो जैसा आपको कहा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंडर में 299 मेंबर्स ने मिलके ये सब रूल्स सब बनाया, तो उनको 3 ईयर्स लग गए. और 3 ईयर्स लगने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कभी तैयार किया? 26 नवंबर 1949. तो पूरा बुक तैयार हो गया था कौन से डेट में? 26 नवंबर 1949. ओके, सो दिस वॉज द डे वेन इट वॉज प्रिपेयर्ड फुल्ली. उसके बाद क्या किया इन इस ग्रुप ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ग्रुप था, उन्होंने ये वाला बुक इस दिन उन्होंने कंट्री के बड़े लीडर्स के सामने रखे. तो बड़े लीडर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, सबके सामने ये वाला बुक उन्होंने रखा. और इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उन्होंने ये सब बुक को देखा, फिर जो भी जस्टिस थे, जस्टिस में जज थे, वो लोगों ने भी इनको बहुत अच्छी तरह से बुक्स को पढ़े, उन्होंने देखे, फिर सब रूल्स को उन्होंने अच्छी तरह से वेरीफाई किया. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 26 जनवरी 1950 को उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रखा. सो व्हाट इज़ 26 जनवरी 1950? इट इज़ अवर रिपब्लिक डे. तो रिपब्लिक डे का मीनिंग क्या होता है? रिपब्लिक डे का मीनिंग है उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने रखा गया था. मतलब जो पीपल ऑफ इंडिया थे उनको पता चला कि एक बुक निकला है और हमको ये बुक के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. सो 15 अगस्त 1947 इज़ योर इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन ब्रिटिश ने हमको इंडिपेंडेंस दिया था. और 26 जनवरी 1950 इज़ अवर रिपब्लिक डे. तो रिपब्लिक डे क्या है? उस दिन हमारे सामने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो रूल बुक था, वो हमारे सामने रखा गया था. इसीलिए हमको रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है. ओके, सो आपको यदि रिपब्लिक डे का मतलब मालूम नहीं था तो अभी आप समझ सकोगे कि क्यों रिपब्लिक डे बोलते हैं. तो वो रूल्स इसीलिए हमारे सामने पुट फॉरवर्ड किया था और इससे क्या हुआ, हमारा कंट्री में बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन हो आने लगी. दिस वॉज द डे इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड टू बी रिपब्लिक. सिंस देन वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. सो आप देख सकते हो यहाँ पे दो फोटोज़ है. यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग कमिटी, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो लीडर थे, उनके एक फोटोग्राफ दिया हुआ है. और यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हो हर एक लीडर्स देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सब लोग हैं यहाँ पे. तो ये सब देखिए 26 जनवरी 1950 को सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर रहे हैं. तो इसीलिए हम इस दिन को भी इम्पोर्टेंट डे मानते हैं. So you can see here in this statement, the constitution was signed by Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, Pandit Jawaharlal Nehru, the first prime minister of India, Vallabhbhai Patel and many others. So you can see so many great leaders are there who are signing the constitution. So this is the importance of our constitution. Now, nature of Indian Constitution. The Indian Constitution is the longest written constitution in the world. It is written in English and has been translated into Hindi also. It lays down the rules of instruction
on how the country should be governed. It also defines the powers and duties of government as well as the rights and duties of its citizens. Some important parts of constitutions are preamble, the fundamental rights and duties of citizen, and the directive principle, which the government must regard as guidelines to govern well. सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था. मतलब इतने रूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो उसे हम लॉन्गेस्ट. क्यों इतने रूल्स हैं? क्योंकि देखिए, हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए हर एक का रूल्स लिखने के लिए हमें बहुत बड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा है, क्योंकि दूसरे कोई भी कंट्री में हमारे कंट्री जैसा धर्म जाति के लोग नहीं रहते हैं, इसीलिए हमारा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. सो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दो लैंग्वेज में लिखे गए थे. इट वाज इन इंग्लिश फर्स्ट, रिटन इन इंग्लिश, देन इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू हिंदी. सो ओरिजिनल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो वो एक महान लीडर ने लिखे थे, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायसदा. तो उन्होंने ये अपने हाथों से लिखे थे. बाद में ये जो हाथ से लिखने के लिए इतने बड़े बुक को 6 months लगा था कंप्लीट करने के लिए. एंड नाउ द दिस ओरिजिनल कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर. अभी भी ये जो ओरिजिनल उन्होंने जो हैंड रिटन लिखा हुआ था इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों अभी भी हमारे पास, हमारे गवर्नमेंट के पास है. ओके, सो इट लेज डाउन द रूल्स और इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न. सो ऑल द अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी रूल द कंट्री शुड फॉलो, द सिटीजन शुड फॉलो, एंड देर आर सो मैनी थिंग्स रिटन इन द बुक. देर आर पावर्स, ड्यूटीज, सो ऑल द थिंग्स आर मैंशन इन द बुक. तो हमारे बुक में हर एक तरह कि ट्रैफिक रूल है, कि बिल्डिंग के रूल हैं, बहुत सारे रूल्स हैं ऐसे हमारे, तो ये सब रूल्स आपको वो बुक में मिल जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ सो लॉन्ग, इज़न्ट इट, एंड इट टुक सो मेनी मंथ्स टू राइट डाउन. Some important parts of constitution are preamble, the fundamental rights and duties of citizen, directive principle, which the government must regard as guidelines to govern well. तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं, preamble है, fundamental right. ये preamble आपको हर एक textbook के सामने आपको दिखाई देगा. सो ये जो प्रीएम्बल है, ये आपके हर एक गवर्नमेंट जो टेक्स्ट बुक है उनमें आपको ये चीज़ दिखाई देगा. देन यू वॉट एवर राइट्स यू एंड अदर पी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैज़, दैट ऑल्सो यू कैन गेट फ्रॉम दैट बुक. देन द गवर्नमेंट भी कौन से रूल फॉलो करेंगे, ये भी सब उसमें लिखा रहता है. ठीक है, सो आप देखिए यहाँ पे ये जो प्रीएम्बल है, ये लिखा हुआ है, देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी देन फ्रेटर्निटी इज इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th. देखिए वो डेट दिया हुआ है, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है उसमें ऐसे लिखा गया है. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन का जब भी फर्स्ट पेज आप देखोगे तो उसमें इस तरह के प्रीएम्बल लिखे गए हैं, और इनमें लिखा गया है कि ये बुक में क्या क्या कंटेंट है और कब ये रखा गया था. तो देखिए यहाँ पे वो डेट लिखा है, इसके फिर 26 जनवरी को हम सिटीजन ने देख पाए थे, है ना. सो दिस इज़ योर प्रीएम्बल. नाउ नेक्स्ट इज गाइडिंग प्रिंसिपल्स. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द प्रीएम्बल. द प्रीएम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन.
It mentions the value and principles on which the constitution is based. तो मैंने आपको बताया है कि preamble means आपको ये constitution में क्या क्या है book के अंदर, वो सब यहाँ पे लिखा गया है. To understand the guiding principles of our constitution, we need to understand the meaning of each of the keywords given in the preamble. So आपको ये meaning constitution में क्या क्या दिए गए हैं उसके लिए आपको ये जो words हैं इसके मीनिंग आपको डिटेल में जानना ज़रूरी है. लेकिन अब अभी आप छोटे हो इसीलिए आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. जब आप बड़े होंगे तो आप ज़रूर इनको पढ़िए. टू अंडरस्टैंड द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसीलिए यहाँ लिखा है वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द की वर्ड्स. The preamble declares India to be sovereign, socialist, secular, democratic and republic. So यहाँ पे preamble में ये जो words है इसका meaning है कि हम free हैं, हम हमारे thoughts present कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम काम करेंगे वो हम rule के हिसाब से करेंगे. So that our country does not suffer. कोई भी दूसरा व्यक्ति या हमारा देश कोई भी हमारे काम से क्या हो, सफ़र ना करे, हार्म ना हो किसी को. ठीक है, तो इस तरह के काम हमें करना चाहिए. सो आप देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ का मीनिंग भी आपके पास लिखा हुआ है. सी सॉवरन, इट मीन्स दैट इंडिया इज़ ए फ्री कंट्री. पीपल ऑफ इंडिया कैन अलोन टेक डिसीजन टू रन द कंट्री. नो अदर कंट्री कैन टेल इंडियन गवर्नमेंट व्हाट टू डू. सो सॉवरन मीन्स जो इंडियन पब्लिक है, इंडियन लीडर्स है, वो क्या करेंगे, वो अपने आप में एक मीटिंग करके एक पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज भी करना होगा कोई भी रूल को, तो सब मिलके बैठते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं. तो इसके लिए हमें दूसरे कंट्री का हेल्प लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फिर सोशलिस्ट. सोशलिज्म मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. द वर्ड सोशलिज्म इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंश्योर दैट ऑल पीपल शेयर द कंट्रीज वेल्थ एंड लीड टू ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो सोशलिज्म मीन्स टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वन. तो हर एक सिटीजन जो इंडिया में रहते हैं उनको क्या है, उनको सबको हमारी गवर्नमेंट एक तरह से इक्वल तरह से कुछ भी चीज़ हो वो उनको दे सकते हैं. जैसे कि बस में हम चढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि रिच पीपल ही बस में चढ़ेंगे, पुअर को भी चढ़ने की अधिकार है ना. पुअर रिच, जिसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे हैं वही चढ़ सकता है. इसमें कोई भी कोई किसी को नहीं बोलेगा कि तुम नहीं चढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते. आपके पास टिकट खरीदने के पैसे हैं तो आप किधर भी चढ़ सकते हो. सो इससे हमारे में कोई भी इक्वालिटी, सब में इक्वालिटी है, किसी को भी ना नहीं है. गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ में हक सबके हैं. आपको यदि प्लेन में भी चढ़ना है, आपके पास पैसे हैं, आप टिकट निकाल सकते हो, तो आप आराम से चढ़ सकते हो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा. ठीक है, सो इसीलिए ये बोले हैं कि यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. ओके, सो आप रिच हो, पुअर हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आपको कोई भी गवर्नमेंट आपको कुछ भी मना नहीं करेंगे. यदि आप प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई भी मनाही नहीं है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सिक्योलर. सिक्योलर मीन्स द दैट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस. सो वॉट एवर इज़ द रिलीजन ऑफ पीपल ऑल शुड बी, कोई भी रिलीजन के हो हमारे सिटीजन, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए. हर जगह सबको हर तरह की सुविधा मिलने की पूरी तरह से राइट है.
Democratic. Democracy is the government of people, by the people and for the people. This means that people elect their own government in a democratic country. India is the largest democratic country in the world. Every Indian citizen of 18 years and above has the right to choose the leader through the system of voting. Democracy means हमारे जो leaders हैं उन leaders को हमारे citizen ही choose कर सकते हैं, वो अपने आप नहीं leader बन सकता है. जब भी हमारे पूरे citizen उसको voting से leader बनाएंगे तब ही वो leader बन सकता है, otherwise वो leader अपने आप नहीं बन सकता है ना. So democracy means people will make the leader. People जो citizen of India है वो सब मिल के leader बनाते हैं. Leader अपने आप नहीं बन जाता, मैं leader बनूँगा ऐसे करके कभी भी leader नहीं बन सकते हैं. Leader बनने के लिए हर एक citizen का जो भी vote होगा वो देंगे तो ही आप लीडर बन सकते हैं. और लीडर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं लीडर नहीं बन सकती, वो लीडर नहीं बन सकता. हर एक सिटीज़न जो 18 ईयर्स से जा है और 18 ईयर्स से ज़्यादा है वो सभी लीडर बन सकते हैं. और उनको वोट मिलना ज़रूरी है. और यदि आप खुद नहीं लीडर बनना चाहते, आपके दूसरे किसी और को लीडर बनाना चाहते हैं तो आपको वोट देना ज़रूरी है. रिपब्लिक, it means that the head of the state is not a king or queen and it is not a hereditary position. This means that position of head cannot be passed down to generation of family. This head of state is always elected by people of a fixed period. So republic means पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि राजा जो रहते थे, राजा का जो बेटा राजकुमार वही राजा बनता था बाद में. लेकिन democracy republic में ऐसा नहीं है. यदि जो भी लीडर है उनका बेटा है या बेटी है वो कभी भी लीडर नहीं बनेंगे. यदि उनके बेटे या बेटी में उस तरह के कोई भी अच्छे लीडरशिप क्वालिटी होंगे तो ही वो बन सकते हैं. और कब बन सकते हैं? जब सिटीज़न ऑफ इंडिया उनको वोट देंगे और वोट देने के बाद वो जीतेंगे तब ही वो लीडर बन सकते हैं. इसीलिए लीडर कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि एक फैमिली का ही जो है वो लीडर बनते ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्योंकि पीपल जिसको अच्छा लीडर मानेंगे उनको वोट देंगे और वही लीडर बनेगा. ठीक है, देन प्रीएम्बल में फिर क्या लिखा हुआ है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. इट मींस दैट पीपल शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड ऑनेस्टली इन ऑल मैटर्स. गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली एंडिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स. So in this paragraph it is written that all the people of India, all the citizens of India should be treated equally. सबको एक तरह का ही treatment मिलेगा. Okay, and that should be what type of treatment? That should be a good treatment. That is, it should be a welfare to all the citizen of India. Okay, especially the disadvantaged group means those who are poor, those who are handicapped. So government should always help this type of people more so that they can lead their life happily. The next one is liberty of thought, expression, belief, faith and worship. It means freedom to express one thought, to form peaceful groups, to live where one likes and to choose and practice one's religion. तो यहाँ पे लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. आप कोई भी बातें किसी के साथ भी कर सकते हैं, आप कोई भी काम, अच्छे काम आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको किसी को उसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी वर्शिप सेंटर में जा सकते हो, जैसे आप मंदिर में जाने की इच्छा करते हो तो आप मंदिर जा सकते हो, आप मस्जिद जा सकते हो, आप चर्च जा सकते हो, आपको जहाँ जाना है आराम से बिना किसी से पूछे आप जा सकते हो. फिर आपको कहीं भी घूमने जाना है तो आप बिना पूछे आराम से आप टिकट निकालो और आप चले जाओ.
आपको किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है आप अपने जो भी आपके माइंड में आता है, आपका जो फ्रीडम है वो आप आराम से आप कर सकते हो। लेकिन ये जो भी आप काम करोगे वो रूल के हिसाब से होना चाहिए और अच्छे काम होने चाहिए, और जो भी काम करोगे वो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए और रूल्स को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर लिबर्टी। देन इक्वालिटी, इट मीन्स दैट ऑल सिटीजन शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर रिच और पुअर। गवर्नमेंट शुड गिव ऑल सिटीजन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर लाइफ। सो इक्वालिटी अगेन इज अबाउट द इक्वल ट्रीटमेंट गिवन टू रिच पुअर। सबको एक तरह का ट्रीटमेंट देना है, मतलब जैसे आप स्कूल में आपको एडमिशन मिल रहा है तो रिच को भी एडमिशन मिलना चाहिए, पुअर को भी मिलना चाहिए, हिंदू को भी मिलना चाहिए, क्रिश्चियन को भी मिलना चाहिए, तो सबको मिलना चाहिए, है ना। देन बॉयज़ को भी मिलना चाहिए, गर्ल्स को भी मिलना चाहिए। फिर आप शायद आप यदि दिल्ली में बॉर्न हुए हो और आपको मुंबई में आके पढ़ाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो किसी में भी आपको कोई भी कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको कोई भी कुछ हैम्पर नहीं होगा। आप कहीं भी किधर भी जाके आप कोई जो भी आप रूल के हिसाब से करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and unity and integrated of nation. It means that all of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. So fraternity means every citizen of India should behave like a family. तो हर एक citizen of India को हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हम इंडियंस हैं, तो उस हिसाब से हमको काम करना है, हमेशा ऐसे काम करने हैं जिससे कि हमारी कंट्री को कुछ भी बेनिफिट हो जाए, हमारी कंट्री का रेस्पेक्ट बढ़े। ओके, सो हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि फॉरेन कंट्रीज बोले कि अरे देखो वहाँ के कंट्री के लोग कैसे हैं, अपने कंट्री को ही बैड बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारी कंट्री को सब लोग कहे कि ये कंट्री के सिटीज़न बहुत अच्छे हैं और ये कंट्री के सिटीज़न ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि कंट्री का बहुत ही सक्सेस हो, ठीक है। सो वी शुड नॉट ट्रीट अ फेलो सिटीज़न एज इन्फीरियर। सो हमें कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, सबको हमें एक साथ लेकर हमें चलना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वाइटल टू इंडिया सेल्फ इमेज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इवन आफ्टर मोर देन 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया स्टिल रिमेन्स अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ट्रीटिंग ऑल इंडियंस इक्वली एंड स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ म्यूचुअल एग्जिस्टेंस। सो आज 70 ईयर्स से अप हो गया है हमारा इंडिपेंडेंस होके, सो अभी भी हमारे देश में सब सिटीजन एक साथ रहते हैं, एक साथ सब फेस्टिवल मनाते हैं, एक साथ सब काम ऐसा करते हैं जिससे कि हमारे कंट्री को बेनिफिट हो, हमारे कंट्री का नाम दूसरे कंट्री में अच्छे नाम से लिया जाए, है ना। तो देखिए आप इंडिया का कितने सारे टीम्स हैं, क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, फिर हमारे इंडियन कितने साइंटिस्ट है, सब देखिए कैसे अपने कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा रूल्स वगैरह लिखा गया था वो बहुत ही अच्छी तरह से लिखे गए थे, और हम लोग जो सिटीज़न हैं वो भी हम वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमारा कंट्री आज एक बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट नेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, so now you know what is constitution and why it was in need and what are the different rules in our constitution. So please read the chapter once, you will understand it clearly.
So the exercises, next is our exercises. So this exercises already the PDF, that is the answer key, has been given to you. Just see the answer key and try to learn the answer. Thank you.